हेलो बच्चों, क्लास फर्स्ट, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग घर पे अच्छे से होंगे। जैसा कि बच्चों, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में स्वर और व्यंजन पढ़ा दिया है। सेकंड में था आपका अमात्रिक शब्द, जो कि मैंने पढ़ा दिया, होमवर्क भी दे दिया, क्लास वर्क भी डालती हूँ। लेकिन कुछ ही बच्चे, सिर्फ 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास वर्क भी करते हैं और होमवर्क भी करते हैं। मैं आप सभी से कह रही हूँ, आप सभी प्लीज़ व्हाट्सएप के ग्रुप पे होमवर्क और क्लास वर्क करके, जो हिंदी की क्लास वर्क की भी कॉपी आपने बनाई है और होमवर्क की, आप उस पर करके आप फ़ोटो जो है मम्मी से या पापा से, किसी से भी आप उसको कहिए कि व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाल दे, तो मैम हमारी चेक कर लेंगी। आप इतना तो कर ही सकते हैं। जब भी ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि मम्मी पापा जब भी खाली टाइम मिलता है, आप मोबाइल लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसको नहीं भी समझ में आता है, जिसके पास बुक नहीं है, मैं उससे कहूँगी कि वो जल्द से जल्द बुक ले ले। और मैं फ़ोटो भी क्लिक करके पेज नंबर भी डाल देती हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से अपने क्लास वर्क पर वैसे ही सेम देख के लिख भी सकते हैं। और जो होमवर्क है वो भी आप होमवर्क पर राइट कर सकते हैं। लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जो करते हैं, और बाकी कोई बच्चा करता नहीं है। लेकिन ये तो गलत है ना। आपको बच्चों, सबको मैं पढ़ाती हूँ, आप सबको होमवर्क भेजना है, ठीक है? क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और जब आपको समझ में नहीं आएगा तब आप पढ़ेंगे ही नहीं। तो इसलिए समझने के लिए हमको होमवर्क भी करना है, क्लास वर्क भी करना है, और साथ साथ में पढ़ाई भी करनी है। आज हम बच्चों मात्राओं का ज्ञान पढ़ेंगे, आ से औ तक की मात्रा वाले शब्द। पेज नंबर आपका है 17 देखिए, और चैप्टर 3 है आ की मात्रा वाले शब्द। चित्रों को देखकर शब्दों को पढ़िए। ये क्या है बच्चों? ये गमला है, इसको तो आप पहचानते ही हैं, UKG में आपने पढ़ा ही है। ग म ला, ल पे आ की मात्रा देखी लगी है, गमला। ऐसे ही ये क्या है बच्चों? ज ह पे आ की मात्रा, ज जहाज। कुछ अन्य शब्द पढ़िए। अब आइए मेरे साथ कुछ अन्य शब्द भी पढ़िए। क पे आ की मात्रा है, का र। ऐसे ही हवा, भाला, तलवार, पायल, पहाड़, मकान, काजल, सरकार, आसमान, ठीक है? ये आपको आ की मात्रा वाले शब्द थे। अब आइए, अब इन वाक्यों को पढ़िए, अब मेरे साथ इन वाक्यों को पढ़िए। देखिए, आपको चित्र में दिख रहा है ना, आशा आ, आलस मत कर। आशा आ, आलस मत कर। नहा कर साफ कपड़ा पहन, नहा कर साफ कपड़ा पहन। गाजर का हलवा खा, गाजर का हलवा खा। खाकर पाठशाला जा, खाकर पाठशाला जा। राधा आ, बाजा ला। राजा बाजा बजा, राजा बाजा बजा। राघव बाजार जा, राघव बाजार जा। गाजर टमाटर पालक ला, गाजर टमाटर पालक ला। सबका कहना मान, सबका कहना मान। अब आइए बच्चों नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पेज नंबर ये आपका 18 है। देखिए, यहाँ मैंने बताया ना, यहाँ पेज नंबर 18 रहता है बुक में। बुक आप सभी लोग ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है बच्चों बुक लेना। बिना बुक के आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। उच्चारण कीजिए और लिखिए। देखिए बच्चों, उच्चारण मैंने कहा ना, जैसे माला है ऊपर लिखा है, तो आपको सेम ऐसे ही देख के नीचे भी लिखना है माला। ये देखिए, अनार अनार, सलाद सलाद, हाथ हाथ, जागरण जागरण, पालक पालक, ठीक है? पाठ ज्ञान। उदाहरण के अनुसार शब्दों के दो दो नए शब्द बनाइए, ठीक है? आपको देखिए, एक उदाहरण के तौर पे बुक पे आपको दिया गया है, जैसे कल है तो काल,
काला। ऐसे ही जल है तो जाल जाला, आ की मात्रा लगानी है। समझ में आपको आ रहा होगा। जैसे बल है तो बाल बाला, तर है तो तार तारा, चर है तो चार चारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। चित्रों के सही नाम पर सही का चिन्ह लगाइए। बहुत ही छोटा छोटा, आपकी बुक इतनी अच्छी है कि आप सभी लोग बुक को ले लीजिए बच्चों। इतना अच्छा आपका है कि आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी पढ़ाने में भी आपको अच्छा लगेगा। चित्रों के सही नाम पर सही का चिन्ह लगाइए। अभी क्या है बच्चों, ये तो आपको पता ही है, ये भाला है नहीं, ये माला है नहीं, माला की तरह तो नहीं दिख रहा है। ये क्या है बच्चों, सभी के घर में रहता है ना ताला, तो आपको ताले पे लगाना है। देखिए मैंने लगाया है। ये क्या बच्चों, ये क्या है बताइए, ये पागल है नहीं, तो पागल तो नहीं दिख रहा है। ये क्या है, बादल है नहीं, बादल का भी चित्र नहीं है, तो ये क्या है, बादाम, बादाम हम खाते हैं ना, हाँ तो ये क्या है, बादाम। ये क्या है, तबला है, ये तबला तो नहीं दिख रहा है। ये गमला है, गमला भी नहीं है, तो ये क्या है बच्चों, छाता। ठीक है, तो आप छाते पे सही का निशान लगाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वर्णों और मात्राओं को मिलाकर शब्द बनाइए। देखिए वर्णों को मिला के हमको क्या करना है बच्चों, शब्द बनाना है। जैसे म है आ की मात्रा और त पे आ की मात्रा है, तो यहाँ हम शब्द क्या बनाएंगे, माता। ऐसे ही त पे आ की मात्रा है, ल पे आ की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, ताला। ये तो आपका अभ्यास माला था, इसको बुक में करना था। अब आइए, हमने होमवर्क आपको दिया है बुक में, आपको ये करना है, होमवर्क है। जैसे देखिए क म ल पे आ की मात्रा कमला, ऐसे ही आपको हवा, टमाटर, राम, इन मात्राओं को मिलाकर क्या करना है, आपको शब्द बनाना है। जैसे आ की मात्रा लग जाएगी म पे, तो क्या हो जाएगा, ट है म पे आ की मात्रा, ट मा टर। ठीक है, ऐसे ही र पे आ की मात्रा लग जाएगी और म है, तो क्या हो जाएगा, राम। अब आइए 4 देखिए, ये भी आपका होमवर्क ही है। चित्रों को पहचान कर उनके सही नाम पर गोला बनाइए। ठीक है बच्चों, ये क्या है चित्र में दिख रहा है आपको, ये तो गाजर है ना, गधा, ये क्या लिखा है, गधा, और ये क्या है, गाजर। तो आप किस पे गोला बनाएंगे, गाजर पे, घास पे भी नहीं। ठीक है, अब ये क्या है, ये घड़ा है नहीं, ये घड़ा भी नहीं है, गाय है, गाय भी नहीं है, ये क्या है बच्चों, ये तो सबके घर सब्जी में डाला जाता है ना, सलाद भी खाया जाता है, टमाटर, ये क्या है, टमाटर। ये क्या है बच्चों, ताला है, ये ताला तो नहीं है, ये क्या है, जहाज है। तो आप किस पे गोला बनाएंगे, जहाज पे, आप किस पे गोला बनाएंगे, टमाटर पे, आप किस पे गोला बनाएंगे, गाजर पे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, सिर्फ आपको गोला बनाना है। ये क्या है बच्चों, देखिए 4 नंबर पे माला है नहीं, बाजा है नहीं, ये क्या है, घड़ा है, घड़ा है ना, गर्मी आ रही है ना, सभी लोग गांव गांव में और शहरों में पानी रखते हैं ना कि ठंडा रहेगा घड़े में, तो ये क्या है बच्चों, घड़ा है। ये क्या है, ये भी तो सभी लोग खाते हैं, खा भी रहे होंगे आप लोग, ठीक है, घर पे हैं तो खाएंगे ही। ये क्या है बच्चों, आम, तो आप आम पे सर्कल बनाएंगे, गोला बनाएंगे। ये क्या है, छाते पे भी नहीं बनाएंगे, राजा पे भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क, आप इसको कंप्लीट करिए बच्चों। अब 5 नंबर पे देखिए, चित्रों को देखकर वाक्य पूरे कीजिए। ये क्या है, क, क आपका क्या है, कमला क्या खा रही है, गाजर का हलवा खा, ये गाजर है ना, तो यहाँ भरा जाएगा गाजर। लाल लाल टमाटर, ये देखिए टमाटर है ना, टमाटर खा, ये क्या है, ये चित्र में देखिए क्या है, ये घड़ा है ना, चल घड़ा भर कर ला, तो ग में आप क्या भरेंगे, घड़ा। राघव अपना कान पकड़े, कान है ना, तो आप क्या यहाँ भरेंगे, कान, तो पहले में गाजर भरेंगे, फिर क्या भरेंगे, ख में क्या भरेंगे, टमाटर, फिर ग में घड़ा, घ में कान। देखिए जो चित्र है उसे वाक्य को पूरा करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ये होमवर्क है। मैं इसकी फ़ोटो भी आप पे के व्हाट्सएप पे क्लिक करके भेज दूँगी, और आप प्लीज़ होमवर्क करिए और क्लास वर्क भी कंप्लीट करिए। थैंक यू।